वेल गाइस, आज नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपको दो सर्कल्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं, दो यहाँ पर, फिर आपके नीचे सर्कल्स हैं कुछ, और ये आर्क लाइन टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो हम यहाँ से सर्कल ले लेते हैं। जैसे ही आपने यहाँ से सर्कल लिया और यहाँ से डायमीटर ले लेते हैं, सबसे पहला ऑफ 44 mm एज यहाँ पर गिवन है, साइज का इंक्रीज कर लीजिए। नेक्स्ट वन, एक और आपको यहाँ से सेंटर डायमीटर लेना है और इसी के सेंटर से आप अगला सर्कल बनाएं जिसका डायमीटर दूस गिवन है। यहाँ पर आपका ये रहा 3 होल्स ऑफ 26 mm। ठीक है, तो 26 दिया आपने। इसके तुरंत बाद अगर आप देखें तो सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट्स आपके कॉपी हैं यहाँ से 70 mm के डिस्टेंस पे, तो सिंपली आपने कॉपी ऑप्शन लिया, सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, क्लिक करिए, इधर ड्रैग कीजिए। स्ट्रेट लाइन में आने के लिए ऑर्थो ऑन रखिएगा और यहाँ पर आप डिस्टेंस एंटर कर लीजिए 70। इसके तुरंत बाद आपने लिया टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, फोर्थ सर्कल पर क्लिक करिए, दूसरे पर क्लिक करिए और रेडियस आप 23 दे दें। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन इज टू यूज ट्रिम। ट्रिम लेने के बाद एंटर कर लें और इसको इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ से 90 mm नीचे आना है आपको। क्लियर? यहाँ से 90 mm नीचे और इस एक्सिस से 30 mm लेफ्ट। क्लियर? चलिए मैं एक यहाँ से लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, 30 mm टूवर्ड्स लेफ्ट एंड 70 mm डाउनवर्ड्स, सॉरी 90 mm डाउनवर्ड्स। क्लियर? अपने यहाँ से सर्कल ले लिया, कौन सा? डायमीटर का। क्लिक करें आप इस तरीके से और यहाँ देखेंगे तो आउटर मोस्ट आया है आपका 60 mm का, मिड वाला है 26 mm का। चलिए चलिए अब अंदर वाला सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। सेंटर डायमीटर लीजिए, यहाँ क्लिक करिए और आप ले लीजिए 26। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो आउटर रेडियस है आपकी 30 mm की और अंदर वाली है 26/2 यानी 13 mm का। क्लियर? तो अगर मैं 30 में से 30 को माइनस करूँ तो आएगा 17। क्लियर? यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 17 mm और मुझे इसके बीचों बीच में चाहिए, तो 17 का आधा कर लेते हैं। क्लियर? तो 17/2 आएगा आपका 8.5 mm। चलिए इसको देख लेते हैं, 8.5 mm। क्लियर? तो सिंपली आपको ऑफसेट ऑप्शन लेना है। जैसे आपने ऑफसेट लिया, वैल्यू लीजिए 8.5, ऐसे क्लिक करिए और ये गलती से अंदर की तरफ हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल क्रिएट हो गया है मिड वाला। अब देखिए वर्टिकल पर आपके फीचर लाई कर रहे हैं, यानी ये वो लाई कर रहा है वर्टिकल एक्सिस पे। तो सिंपली आपको यहाँ से एक सर्कल लेना है, कौन सा? डायमीटर का। और यहाँ डायमीटर कितना है? 10 mm का। तो आप क्लिक करें, डायमीटर की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब इसके बाद एरे ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, यहाँ पर एरे आप ले लें, सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस करें, इस तरीके से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं 3, 6, 6। तो यहाँ से हमने 6 दिया, एंगल दिया 360 का। जैसे ही हमने ओके कर लिया, देखिए यहाँ पर हमारे होल्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके तुरंत बाद मैं इस लाइन को, इस सर्कल को डिलीट कर दूंगा। क्लियर? इस लाइन को भी हटा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें टेंजेंट अप्लाई करना है, तो सिंपली एक लाइन कमांड आपको लेना है कि लाइन लेना है हमें, लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कंट्रोल प्रेस कीजिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ से आपने टेंजेंट लिया, ऐसे क्लिक करें, वंस अगेन कंट्रोल दबाए रखिए और राइट क्लिक करिए, टेंजेंट ले लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से आपकी एक लाइन अप्लाई हो चुकी है। वंस अगेन यहाँ से आपने ले लिया है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, लेने के बाद आप पहले सर्कल पर क्लिक करें, दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और जैसे ही आपने रेडियस एंटर की 105, यहाँ पर आपका एक इस तरीके से क्रिएट हो गया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो होती रहती है। अगर आप पॉइंट्स अंदर की तरफ क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपकी आर्क क्रिएट होती है, आई मीन सर्कल क्रिएट होता है। तो अगर हमें अपने केस के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है तो कुछ इस तरीके से बाहर बाहर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, रेडियस की वैल्यू 105 ले ली और जैसे हमने एंटर किया, देखिए आर्क रिक्वायर्ड हमें मिल चुकी है। क्लियर? नाउ आप इसको ट्रिम कर लें। जैसे आप ट्रिम करेंगे, आपका रिक्वायर्ड केस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू फाइंड